हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग एसके में एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज हम लोग निकल चुके हैं मुसाबनी के लिए और यह मुसाबनी जाने का ही रास्ता है। और यहां पर भी देखिए काली मंदिर में पूजा की पूरी व्यवस्था हो रही है। और इसी में चलते चलते हम लोग को देखने मिला ये मंदिर, और इसके आगे हम लोग निकले तो हम लोग को देखने मिला ये बहुत ही प्यारा सा ये जो ब्रिज है, ब्रिज को बहुत बढ़िया सजाया है। और ये रास्ते में मिला हम लोगों को कुछ दिवाली डेकोरेशन घरौंदा, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने इसको भी थोड़ा वीडियो बना लिया। और इसी के सामने ही हो रही है काली माता की पूजा का पंडाल, और मैं ये पहुंच चुका हूं। और पहुंच चुका हूं तो यहां पर कुछ लाइट डेकोरेशन के लिए मैंने लाइट टेस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं इस लाइट को लगा सकूँ सजाने के लिए इस आंगन में मुसाबनी में। तो चलिए बने रहिए आज का ब्लॉग में, बस यही देखने मिलेगा कि दिवाली में कैसे लाइट वाइट लगाते हैं और कैसा क्या घरौंदा बनाते हैं। और भी कुछ काम हो तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या मैं करता हूँ आज दिवाली के दिन में। तो चलिए आज का ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। और जो भी मेरे चैनल में पहले से जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को हैप्पी दिवाली, दिल से दिवाली। दिवाली आपके लिए बहुत ही खुशियाँ लाए। और चलिए अभी मैं घरौंदा बनाने के लिए बैठ गया हूँ मिट्टी लेकर के। ये पहले से थोड़ा बना हुआ था, बस उसको मैं थोड़ा सा सजा दे रहा हूँ, डेकोरेट कर दे रहा हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। पहले से ही बना हुआ उसको और थोड़ा सा मैं उसको डिज़ाइन बना दे रहा हूँ। तो देखते रहिए कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कौन कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। और आप लोग अपना ऐसा घरौंदा बना के दिवाली मनाते हैं या ऐसे ही पटाखा जला के मोमबत्ती दिया जला के मनाते हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा जो जो भी दूर दूर से फ्रेंड मुझे देखते हैं, मुझे मेरा वीडियो पसंद करते हैं तो अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के आप लोगों का। तो वैसे ही प्यार बनाए रखिए आप लोग दोस्तों, और देखते रहिए कैसे मैं घरौंदा बनाता हूँ। और इसके आगे भी दिखाऊंगा कैसे क्या क्या लाइट लगाता हूँ और क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का जो मेरे साथ इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, सबको दिल से धन्यवाद। और मेरे चैनल में जो नए हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो बिल्कुल ही फ्री है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा आप लोगों का। तो चलिए बने रहिए आज के ब्लॉग में। तो ये घरौंदा अभी बन के तैयार हो गया है, ये देखिए इसका फाइनल लुक। मैंने ये कच्ची मिट्टी है, थोड़ा अभी सूख जाएगा तो और अच्छा लगेगा देखने में। तो ये फाइनली रेडी हो गया है और इसको बाद में कलर करेंगे और डेकोरेट करेंगे शाम को। और ये मैं दोपहर के बाद फिर से लाइट लगाने का काम कर रहा हूँ। ये बाहर साइड है, यहाँ पर अभी तो ऐसे पता नहीं चल रहा क्या क्या लाइट है। ये रात को जलेगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा रात का भी कैसा नज़ारा दिखता है। तो चलिए बने रहिए, जा रहा हूँ देखिए काटने के लिए जुगाड़ है। और अभी केला का पत्ता या केला का पूरा गाछ ही काट के लाएंगे गेट में सजाने के लिए। ये देखिए कितने झाड़ियों के बीच में इतना सारा केला का गाछ हुआ है, बहुत ही छोटा छोटा प्यारा प्यारा, काटने का मन भी नहीं कर रहा है। घर के पीछे ही बहुत सारे छोटे छोटे केले का गाछ है, तो मैं यहीं से अभी केले का गाछ तो काटने का मन नहीं किया, बहुत ही छोटा छोटा है, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा दो दो पत्ता ही तो काट लेते हैं घर का जो मेन गेट है उसमें लगाने के लिए, तो देखने में अच्छा लगता है और इसे क्या भी जाता है, तो मैंने उसी के लिए दो पत्ता काट लिया हूँ। और ये दो पत्ता देखिए केले का पत्ता दोनों मैंने दो साइड में लगा दिया है, और लाइट भी दोनों साइड में लगा दिया है, लेकिन अभी उतना अच्छा लाइट का व्यू नहीं आ रहा है क्योंकि दिन का समय है। तो शाम का समय में चलिए आप लोगों से भेंट करता हूं और दिखाता हूं कैसे नज़ारा आता है। तो अभी लाइट लगाने का काम कम्प्लीट हो चुका है और दिवाली का घर का काम अभी तैयारी में चल रहा है। और ये मेरे पीछे देखिए कुछ, चलिए अभी लाइट दिखा देता हूँ। घरौंदा का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये तो मैंने सुबह ही बनाया था तो ये कच्चा है तो इसको कलर नहीं किया, ऐसे डेकोरेट कर दिया हूँ। और इसी में मोमबत्ती दिया जलाएंगे, अंधेरा हो जाएगा तो लेकिन इसका कुछ क्लोज लुक देख लीजिए उससे पहले, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। बच्चों को यही सब तो खुशी देता है दिवाली में। लाइट फाइनली रात को जल रही है, अंधेरा हो चुका है, और ये देखिए कुछ इस तरह से लाइट
दिख रही है जलने के बाद, तो मैं पूरा कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, देखते रहिए। और ये दिया भी जल चुका है मेन गेट में, और ये लाइट दोनों तरफ से, और ये घर का आंगन है, घर का आंगन में चारों तरफ मैंने लाइट लगाया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो थोड़ा आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ रात का व्यू कैसा दिखता है लाइट जलने के बाद। देखते रहिए और एंजॉय कीजिए मेरा वीडियो, और अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में जो नए हैं एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो पुराने हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो में बने रहने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। Ura, ura. Ura. Da, 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 दिवाली के शाम को ये भी एक परंपरा है पिठा बनाने का, तो कोई कोई बनाता है, कोई कोई नहीं भी बनाता है। गुड़ का जो पिठा बनता है, चावल का आटा का गुड़ का घोल के साथ मिला के हम लोग ये पिठा बनाते हैं इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए। और ये कुछ दिए जल रहे हैं, तो मैं घर से निकल चुका हूँ अभी थोड़ा बस्ती में घूमने के लिए, तो मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे घरौंदा कागज़ के बने हुए, गत्ते के बने हुए देखने मिले, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए कितना प्यारे प्यारे बच्चों ने बनाया है, और अपने अपने घर के आगे में रख दिए हैं, उसको डेकोरेट किए हैं, और देखिए कितना प्यारा बनाया है, लाइट भी लगाया है, कितना अच्छी लग रही है देखने में। छोटी सी है लेकिन बहुत ही प्यारी है, और एकदम सिंपल है, कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे देखने में, तो मैंने चलिए इसका भी शॉट ले लिया। और ये है एक स्काई लैंटर्न, तो इसको अभी जलाएँगे और भी दिखाएँगे आप लोगों को कैसे जलता है, और साथ में इसका ये भी देखिए घरौंदा है जो बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। जो जो मुझे अच्छी लगी मैंने वीडियो बनाया आप लोगों को दिखाने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए, तो आप लोग को कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यही है बच्चों लोग के, बच्चों के लिए तो यही बहुत ही अच्छी लगती है दिवाली में, यही सब जब बनता है तो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग एसके में। तो ये दिवाली के बाद का सुबह का मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि कल रात हो गई तो मैं वीडियो को एंड नहीं कर पाया और आप लोगों को थैंक यू नहीं बोल पाया। हैप्पी दिवाली आप सभी मेरे यूट्यूब मेंबर्स को, मेरे जितने भी चाहने वाले, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको बहुत बहुत बधाई दीपावली की। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।